हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ना है। रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सारे स्टेप्स पता होनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस जो हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो मेरी जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल हो जाएगी। उसके बाद मेरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें 2 से 3 जो ये साइकिल है आपको इनको याद रखना है। और उसके बाद जो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह में, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जल्दी मिल जाएगा, इसके आप टेंशन मत कीजिए। जितने भी बायो के चैप्टर हो रहे हैं सबकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। पहला स्टेप जो है रेस्पिरेशन में, पहला ग्लाइकोलिसिस है, जिससे हम क्या बना रहे हैं, हमारा पायरोइक एसिड बना रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे आ जाता है। ग्लाइकोलिसिस से मेरा बनता है ग्लूकोस 6 फॉस्फेट। ग्लूकोस से ग्लूकोस 6 फॉस्फेट को बनाने के लिए मेरे को 1 ATP यहाँ पे देना पड़ा। क्या 1 ATP यहाँ पे देना पड़ा। फिर ग्लूकोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट अगर मेरा बन रहा है, अगर मेरा ग्लूकोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट बन रहा है, एक तो मैं यहाँ पे बता दूं, ग्लूकोस से ग्लूकोस 6 फॉस्फेट बन रहा है तो मेरा हेक्सोकाइनेस आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब यहाँ पे वापस रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देखने को मिलती थी, ये चीज आ गई। और फिर आपका ATP कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे ग्लूकोस से ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में मेरा 1 ATP यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट आपका जो आएगा वो आपका क्या होगा, ATP का बताएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो मेरा फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट अगर आता है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में मेरा 1 ATP यूज किया, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 6,1,6-बिस्फॉस्फेट में मेरा 1 ATP यूज किया। अभी मैंने ATP बहुत ज्यादा यूज कर लिया। अब मेरा कहा मेरा अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को ATP चाहिए, ठीक है। तो बाद में क्या आ जाता है, मेरा कहाँ कहाँ पे ATP वगैरह जो प्रोड्यूस होता है वो चीज याद रखनी है आपको। 2-GDH से 3 फॉस्फेट से 1-2-1,3-BPG में आपको एक NAD देखने को मिलेगा। NAPDH यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगा। NADH यहाँ पे याद रखना कि NADH यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमारे ATP मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरे को 1 ATP जो मैंने लगाया था वो यहाँ पे 1 ATP मेरे को मिल जाएगा जब मैं 20 फॉस्फोग्लिसरेट को 2,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करूंगा, तब मेरे को 1 ATP मिलेगा। और मेरे को जो लास्ट में जो मैं पायरुएट बनाऊंगा, मेरा पायरुक एसिड जो बनाऊंगा, 2-फॉस्फो इथेनॉइल पायरुएट से 2-पायरुक एसिड बनाऊंगा, तो मेरा वहां पे भी 1 ATP देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है टोटल 2 ATP आते हैं। तो ये चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2 ATP का कंजप्शन होता है, क्योंकि आपको देखने को मिला है 2 × बता रखा है, यहाँ पे भी 2 ATP का कंजप्शन आता है। तो टोटल कितने ATP मिले, 4। और कितने हमने ATP दिए यहाँ पर, टोटल मेरे को कितने ATP देने पड़े यहाँ पे, 2। तो मेरा नेट ATP कितने आ गए, 2 ATP आ गए। उसके बाद अगर NADPH की अगर मैं बात करूं तो 2 NADPH यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 NADPH आपको देखने को मिलते हैं आपके पूरे ग्लाइकोलिसिस में, NADP आपको देखने को मिलेगा और 2 ATP आपको देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स कहाँ पे होता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। हेक्सोकाइनेस को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोस से ग्लूकोस 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोस 1,6-बिस्फॉस्फेट में वहाँ पे ATP यूज होता है, आपको ये भी याद रखना है। ग्लूकोस अंडर गो पार्शियल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसका ग्लूकोस का, ये भी याद रखना, पार्शियल याद रख लेना। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज बाय द एंजाइम ऑफ द इनवर्टेज। क्या हो जाता है, मेरा सुक्रोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो कौन करता है, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज इनवर्टेज मेरा एंजाइम कन्वर्ट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। इसमें चैप्टर में बहुत कम चीजें दे रखी, तो जितनी दे रखी वो सारी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन की भी बात कर लेंगे, जो साइटोप्लाज्म की पूरे रिएक्शन देख रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन अगर आपको देखा होगा कि आपने कोई कच्ची दारू की दुकान देखी होगी जहाँ पे दारू बनती है, या फिर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट करके बनती है, तो ये चीज आपको बताओगी। अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन फर्मेंटेशन करते हैं हम, क्या करते हैं, फर्मेंटेशन देखते हैं आपको, फर्मेंटेशन फ्रेगमेंटेशन करते हैं इसको, फर्मेंटेशन को फर्मेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन नहीं फर्मेंटेशन, क्या है फर्मेंटेशन, तो ये गलत हो गया, फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा यहाँ पे, फर्मेंटेशन कर दो इसको, फर्मेंटेशन, क्या पता नहीं किसने लिखा, सॉरी गाइस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फर्मेंटेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्मेंटेशन आ जाएगा, फर्मेंटेशन यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन वही मैं सोच, फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेड होते हैं, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन द 7%, सिर्फ 7% से लेस एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ द ट्रैप एज अ हाई एनर्जी लेवल बॉन्ड, यहाँ पे हर एक तरीके का ATP बॉन्ड यहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ द हाइड्रो और जी ये जो प्रोसेस हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं वो कैसी हजार्डस है, मतलब बहुत डेंजरस है। किसी ने कच्ची दारू अगर पी ली फ्रेगमेंटेड, अगर ये
एसिड और अल्कोहल को प्रोड्यूस किया है, तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल भी हजार्डस है वहां पे आसपास। अगर किसी ने कच्ची दारू पी ली तो उसका क्योंकि उसका डिस्टिलेशन वगैरह नहीं किया हुआ कच्ची दारू पीने की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। ईस्ट इज ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ देम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस टू द अप टू 13%। क्या ईस्ट अपने आप को पॉइजन बना लेता है, खुद का डेट करवा लेता है जब वो 13% ठीक है 13% पे पहुंच जाता है, तो ये चीज आपका आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा देमसेल्फ टू द डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस 13%, ठीक है तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज से, ग्लूकोज ग्लिसरडीहाइड 3-फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरडीहाइड एसिड और फॉस्फोफिनॉल फिनॉल पायरुविक एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा मेरा ग्लूकोज 3-फॉस्फेट, उसमें एनएडीपीएस को एनएडी मिल गया, उसके बाद 3-ग्लूकोज ग्लिसरडीहाइड एसिड से मेरे को फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर उसमें पायरुक एसिड को मैं इथेनॉल और CO2 में कर देता हूँ, वहां पे भी मेरे को एक NADPS का कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर मेरे को लैक्टिक एसिड में भी चाहिए तो मेरे को वहां पे भी एक NADPS देना पड़ता है। दोनों में से कोई भी करो आपका नेट गेन यहाँ पे कितना आ जाता है, नेट गेन यहाँ पे 0 आ जाता है, कुछ भी आता नहीं है और कुछ भी जो आता है वो यूज हो जाता है, तो जितना NADPH हमें मिलता है उतना यहाँ पे यूज भी हो जाता है। या तो लैक्टिक एसिड बनाओगे तो आपको मिलेगा, या तो इथेनॉल बनाओ CO2, आप कुछ भी बनाओ आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हमारा फर्मेंटेशन पूरा हो गया, फ्रेगमेंटेशन नहीं, प्लीज इसको ठीक कर लेना और हंसना मत मेरे ऊपर, ठीक है पहले वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, जो आपने अभी पायरुक एसिड बनाया हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुक एसिड बनाया उसको अभी हम यूटिलाइज करेंगे आगे की तरफ हमारा रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में। ऊपर जो पढ़ा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था, तो फर्मेंटेशन की आपको यह पता होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा मेरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 एंड वाटर। क्या होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा मेरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का रेस्पिरेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और रिलीज क्या करेगा CO2 और वाटर को रिलीज करेगा। फिर उसमें जो पायरुवेट है जो साइटोप्लाज्म से कहां पे चले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी चीजें हमारी होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही मेरा जो पायरुवेट है मेरा कहां पे जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पे जा रहा है। उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे क्या होता है स्टेप वाइज आप रिमूव करते ऑल हाइड्रोजन आइटम को, यहाँ पे स्टेप वाइज रिमूवल करते लीविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देखने को मिलना है। जो मेरा आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन देखने को मिलेगा तो आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देखने को मिलेंगे और सारे जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे वो सारे ही निकल गए। पायरुवेट की अगर मैं बात करूं विच वाई फॉर्म बाय द क्या है ग्लूकोलेटिक कैटाबॉलिज्म ग्लाइकोलेटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसोल में देखने को मिलेगा आपको, जो ग्लाइकोलेटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट साइटोसोल में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको आफ्टर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो द ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन बाय द सेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, क्या जाएगा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस यहाँ पे आएगा। तो जब मेरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखूंगा तो ऑक्सीडेशन में जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा बाय द सेट ऑफ द रिएक्शन, तो कैटलिस्ट करता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस को कैटलिस्ट करता है। डीहाइड्रोजिनेस पार्टिसिपेट इन सेवरल कोएंजाइम, जैसे कि कोएंजाइम में पार्टिसिपेट करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनएडी एंड कोएंजाइम ए के अंदर हमारा आ जाता है। तो जैसे कि मेरा पायरुवेट एसिड कोएंजाइम ए और एनएडी प्लस हमारा आ जाएगा, तो मेरा मैग्नीशियम प्लस, ये याद रखना किस चीज को हम कैटेलिक पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस को यूज करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे दे रखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस देखने को मिल रहा है। जो मेरा पायरुवेट क्या करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा CO2 बनाएगा और NADH बनाएगा, तो ये चीज आपको याद रखना है क्या बनेगा हमारा NADH को देखने को मिलेगा CO2 और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कभी कभी एग्जाम में पूछ लगता है और ऑल ऑफ द हाइड्रोजन एटम का भी इसमें याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रोसेस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस की यहाँ पे बात तो कर ली हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी मेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो हमारी TCA कहते हैं, ये जो दे रखी है मेरी एरोबिक साइकिल दे रखी है। इससे पहले यहाँ पे ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से पायरुवेट मेरा ग्लाइकोलाइसिस से आया, फिर पायरुवेट के अंदर सब हो गया NA+ डीहाइड्रोजिनेस से मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पाया कोएंजाइम ए को दिया NADH देखने को मिला और एक CO2 देखने को मिला, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारा कोएंजाइम ए के बाद आएगा तो सिट्रिक एसिड में चलेगा 6 कार्बन के अंदर, फिर अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड में देखना है आपको एक CO2 मिलता है और एक NADH देखने को मिलता है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी क्वेश्चन में पूछ लेगा जब हमारी कार्बिक सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही होती है, तो जब मेरा सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड जब बन रहा है तो क्या क्या रिलीज होता है, तो मेरा CO2 और NADH मेरा रिलीज होता है पहली बात। उसके बाद मेरा अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड से जब मेरा सक्सेनिक एसिड बनता है तो इसमें बहुत सारी चीजें रिलीज होती है, एक तो मेरा CO2
NADH और मेरा GDP, 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 GDP के बारे में यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वो चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, पूरी साइकिल एक बार पढ़ लेते हैं। फिर मेरा सक्सिनिक, तो याद रख लेना यहाँ पे जो अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड से सक्सिनिक में मेरा NADH, CO2 और GTP क्या आएगा, GTP मेरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सक्सिनिक एसिड से, मेरा जो है मैलिक एसिड बनेगा फोर कार्बन के अंदर, तो इसमें FADH2 जो है मेरा FAD से कन्वर्ट होगा, तो FADH2 मेरा आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मेरा लास्ट में मैलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सो एसिटिक एसिड बनेगा फोर कार्बन में, तो मेरा फिर से NADH आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने NADH देखने को मिलेगा, मेरे टोटल 3 NADH और 1 FADH आपको देखने को मिलेगा, और आपका 1 GDP देखने को मिल गया। अगर मैं बात करूँ GDP और GDP क्या है, तो सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल GDP इज द सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस लेवल ऑफ सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, कहते हैं इसको यहाँ पे, क्या कहते हैं, जब इनके अंदर सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन देखने को मिलता है, तो कपल रिएजेंट GTP इज कन्वर्टेड इनटू द GDP। तो यहाँ पे कपल रिएजेंट में मेरा क्या हो जाता है, जो मेरा GTP है वो कन्वर्ट हो जाता है GDP में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेरा कपल रिएक्शन में क्या हो जाता है, मेरा जो है GDP कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो मेरा सबसे लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में, तो GDP कन्वर्टेड, GTP इज कन्वर्टेड इनटू द GDP व्हिच इज स्टिम्युलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP टू फ्रॉम ADP। तो जब मेरा ये GTP मिल गया, तो GTP क्या करेगा, कन्वर्ट होगा GDP में फिर से, और जब ये GDP में कन्वर्ट होते समय जो एनर्जी रिलीज होगी, तब जाके मेरा ATP फॉर्म होगा, कहां से, ADP से मेरा ATP फॉर्म होगा। तो ये इस तरीके से सबसे लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है। अगर मेरे को रिलीज करना है CO2, तो मेरे को 8 मॉलिक्यूल ऑफ द NADH देखने पड़ेंगे। 8 कितने, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH, ओके, हैज बीन साइमल्टेनियसली बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपको देखने को मिला है, ATP के इसके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको देखने पड़ेगी। तो क्या क्या मिला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, पाइरूवेट एसिड को कन्वर्ट किया मैंने NADH, फिर FADH और H2O दिए, ADP भी दिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या देखने को मिले मेरे को, 3 CO2 देखने को मिले, 4 NADH2 देखने को मिले, 1 FADH2 देखने को मिलेगा, कितना, 4 NADH2, 4 NADH2 एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, 3 यहाँ पे और ऊपर से एक आया था पायरिक एसिड से, ये भी याद करना, 1 NADH2 यहाँ पे भी मिला है। तो आप बोलोगे भैया तो 3 ही बताया आपने, भाई यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी गिना करो इसको, ठीक है। तो 4 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP देखने को मिला, जो GDP से सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या क्या मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है वो भी याद रखना है, कहाँ कहाँ कितना क्या 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 रिलीज हो रहा है, तो वो प्लीज याद रख लेना, वो मेरे को नहीं पता आप कैसे याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे हमारी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में, थोड़ा सा हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, थोड़ा क्या, पूरा ही पढ़ लिया। अभी बात करते हैं ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो यूज किए थे, जो हमारे ATP वगैरह मिला था, उसको अभी हम यूटिलाइज करेंगे। अगर मैं यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली जो है चेन को देखेंगे हम, ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दे रखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा है इंटर जो है हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो ये मेरा एफ, ये जो है मेरा फोटो सिस्टम फर्स्ट आ जाता है। फोटो सिस्टम में 1 क्या अंदर क्या हो जाता है, जो मेरा NADPA मैट्रिक्स से जो मिल रहा है मेरे को, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो हमने ट्राइकार्बोनिक एसिड में, वो मेरा NAD+ में उड़ रहा है। तो जो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें FNN को FSS में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है, और इससे क्या है 4 हाइड्रोजन मेरे कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में देखने को, इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर भी नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो जाएगा, NADH हाइड्रोजिनेस, क्या हो जाते हैं मेरे यहाँ पे NADH हाइड्रोजिनेस देखने को मिलते हैं। फिर UQ, जो कि UQ का अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मोबाइल कैरियर की तरह परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। मेरा साइटोक्रोम यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम सेकेंड देखने को मिल रहा है आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, फोटो सिस्टम बोल रहा हूँ मैं, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है आपका। कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम बी, ये भी याद रखना है कि आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या क्या देखने को मिलता है। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में पूछता है और कॉम्प्लेक्स फोर के बारे में बहुत बार पूछता है, तो प्लीज इसको याद रख लेना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स फोर की यहाँ पे बहुत बार पूछ लेता है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 4 और 3 के बारे में बहुत बार पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स 3 और 4 में क्या क्या प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से मेरा फर्स्ट डायरेक्ट 3 में चले जाएगा, ये याद रखना है आपको, सेकंड में नहीं जाता है, ये भी याद रखना है। तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम FES से साइटोक्रोम C3 देखने को मिल रहा है, फिर इसमें 4 हाइड्रोजन मेरे रिलीज होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो मेरा साइटोक्रोम डी से फिर से ट्रांसफर होगा फोटो सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेकंड में चले जाएगा। उसमें क्या होगा, FAD मेरा FES में कन्वर्ट होगा, जिसमें सक्सीनेट को फ्यूरिनेट में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो मेरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है, मेरा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है, कैसा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का क्या नाम है, साइटोक्रोम BC3, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर साइटोक्रोम सी से डायरेक्ट साइटोक्रोम जो मेरा साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन मेरा जो मेरा मोबाइल कैरियर है 1 से लेके जो है मेरा डायरेक्ट ही मेरा जो है 4 वाले में डाल देता है, यहाँ पे 3rd से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2nd में चले जाता है, 3rd से मेरा डायरेक्टली आ जाएगा 4th वाले इलेक्ट्रॉन में। इसमें क्या करेगा,
जो है मेरा फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, फोर्थ वाले में जो है मेरा सीयू से साइटोक्रोम ए से सीयू कॉपर बनाएंगे हम। इसमें क्या होगा, जब जो एच टू है, टू एच टू ओ टू और ओ एच टू को क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और दो एच प्लस मेरे इनर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। तो जितने भी एच प्लस अभी इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी एच प्लस की यहाँ पे बात की है इन्होंने, जितने भी यहाँ पे एच प्लस की अगर मैं बता दूं आपको, तो जितने भी H+ की यहाँ पे बात हुई है, ये सारे ही H+ मेरे क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे F0 से और ATP से निकलते हुए मेरा ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। सारे H+ मेरे को ATP कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। अगर इस तरीके से मेरी प्रोसेस चलती रहेगी तो मेरे हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि ये मदद करेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी एक बात याद रखना, अगर मेरा वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH की यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो अगर मेरा वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपको देखने को मिला, तीन मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा, कितना, तीन मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और अगर मेरे को वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 देखने को मिलेगा तो मेरे दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा, कितने, दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर ATP द प्रोडक्शन ऑफ टू एच प्लस पासेस थ्रू द टू फॉर्म एफ नॉट, एफ नॉट फॉर्म से यहाँ से पासेस होते हैं दो एच प्लस फॉर इंटर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन के अंदर, सो दैट मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रॉन केमिकल फोटोन ग्रेडियंट। तो डाउन करते थे इलेक्ट्रॉन फोटोन ग्रेडियंट, तब जाके मेरा एटीपी क्या है, एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस तरीके से हमने एटीपी के लिए इतनी झंझट की, इतनी झंझट हमने एटीपी के लिए की। उसके बाद क्या हो जाता है, मेरी बैलेंस शीट में बता देता है कि जो ये सब चीजें हैं नॉर्मली ऐसा सिंक्रोनाइज वे में चलेगा तो तब जाके बनता है। नॉर्मली प्लांट के अंदर कुछ टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तब जाके आपके इतने सारे एटीपी आपको नेट गेन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नेट गेन बहुत मुश्किल से प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हाइपोथेसिस के ऊपर चला था। आप बोलोगे इतना सब पढ़ा है और फिर बोल रहे हो ऐसा होता है, हाँ भाई ऐसे होता है, ठीक है। NADH सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। अभी देखा हमने, जो मेरा ग्लाइकोलाइसिस में NADH निकला था, मैंने आपको बताया भी होगा कि हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में अंडरगो करता ही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में। कैन बी नेट गेन, कितना मेरा टोटल नेट गेन पूरा अब तक का कितना है, 38 ATP देखने को मिल रहा है आपको। और मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वन मोल ऑफ द ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है, कितना, वन मोल ऑफ द ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है, और पूरे 38 ATP देखने को मिल रहा है, कितने, 38 ATP आपको रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एम्फोबोलिक पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अगर वो उस तरीके से नहीं होता तो इस तरीके से आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एम्फोबोलिक पाथवे जो है मेरे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके बारे में अगर बात करते हैं तो हम, तो इसके अंदर पूरा ये क्रेब साइकिल वगैरह आपको पूरे याद रखना है। तो ये इसका जो डायग्राम है प्लीज याद रख लेना, पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन मेरा अमाइनो एसिड में चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेरा सिंपल शुगर ग्लूकोज के अंदर, जैसे अभी ग्लूकोज की हमने पूरी देखी। फैट जो है मेरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आ जाता है। तो पहले ग्लूकोज को देख लेते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट मेरा डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट से, ठीक है, वो सब पैरुक एसिड बना लिया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर मेरी क्रेब साइकिल चलाई हमने, तब जाके मेरे H2 और CO2 रिलीज हुए, तो फिर ATP बने। फिर प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन डायरेक्ट मेरा अमाइनो एसिड के थ्रू पैरुक एसिड बनेगा, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रोटीन डायरेक्टली अमाइनो एसिड से पैरुक एसिड रहता है, पर मेरा जो फैट और ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड से मैंने बनाए थे तो वो क्या करते हैं, मेरे एसिटाइल कोएंजाइम में आते हैं। तो ये चीज प्लीज याद रखना, ये एरो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन में, इसमें इसी चीज में कंफ्यूज करता है। इधर मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरो किस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना। और फिर बाकी सबके सब कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन सबको क्रेब साइकिल के थ्रू होकर जाना ही पड़ता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और चीज आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन याद रखने, कार्बोहाइड्रेट का वन है, फैट का लेस देन वन है, क्या है, लेस देन वन है। तो मेरा वन सबसे ज्यादा होता है, लेस देन वन होगा मेरा फैट के अंदर, ठीक है, तो लेस देन वन है। और उसके बाद प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो 0.9 देखने को मिलता है, कितना, 0.9। और ट्रिपलेमेथिन जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ट्रिपलेमेथिन जो है मेरे को दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, 2019 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में कितना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आ जाता है PYQ नीट में, तो 0.7 याद रख लेना प्लीज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 1, फैट लेस देन 1, प्रोटीन 0.9, ट्रिपलेथिन जो कि आपका 0.7 आ जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो कि ऑफ्टन मोर देन वन आपको देखने को मिलेंगे। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर बीन यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो है प्योर प्रोटीन एंड फैट इज नॉट यूज, फैट को हम एज इन प्योर फॉर्म में कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में, रेस्पिरेटरी
सबस्ट्रेट यूज नहीं करते, तो ये चीज आपको याद रखनी। अभी ऊपर पढ़ी हमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एम्फोबेलिक पाथवे में, तो आपको इसमें सब चीज पता चल गई। तो इसी के साथ आपका पूरा रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है पूरा खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस इसके लिए, मेरे साथ बने बने रहने के लिए। तो ये जी क्यों लिख देता पता नहीं मैं हमेशा, थैंक यू। मैं थैंक यू सो मच आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।